जो लो और मिडिल इनकम वाले देश हैं उसमें ये जो डबल मॉनिटरेशन की भयभीत करने वाली जो सिनारियो आया है और जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के बीच का जो डिफरेंस है 4 सालों में, वो हमको कहीं ना कहीं थोड़ा भयभीत कर रहा है और उसका चिंता करने की बात है। नेक्स्ट स्लाइड। तो माल न्यूट्रिशन का सिनारियो ये है कि खास करके 15 से 19 साल के बच्चियों में हमेशा ये सरकार है कि नेशनल लेवल पर 3-4% जो है कम हुआ है, लेकिन हर स्टेट की हम करें तो खास करके लद्दाख में सबसे ज़्यादा देखने को मिला है और मणिपुर में सबसे कम माल न्यूट्रिशन देखने को मिला है। लेकिन सबसे जो 15 से 49 बरस के बीच की महिलाओं और किशोरियों का जो लगभग महिला और पुरुष दोनों में लगभग 4 और आगे और एक स्लाइड आगे, हाँ, ये अनिमिया का जो मैं बता रहा था 15 से 19 साल की लड़कियों में जो अनिमिया है नेशनल लेवल पे ये 3-4% कम जरूर हुआ है, लेकिन हर स्टेट में देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा लद्दाख में 96.6% है और मणिपुर में सबसे कम है। प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड। अब ये जो स्लाइड है जो खास करके चिंतित करता है मेल और फीमेल दोनों का जो सिनारियो सबसे ऊपर वाला है, जिसमें कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 के बीच में 4% का जो डिफरेंस है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को चिंता करता है, कहे कि ये जो है ये रिप्रोडक्टिव एज है, इसमें अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो बाद में, क्योंकि 6 मिलियन लड़के औरतें जो हैं वो प्रेगनेंसी के समय में हाइपरग्लाइसीमिया का शिकार होती हैं। नेक्स्ट। अब ये सिनारियो भी है कि महिलाओं का खास करके कि 5 वर्षों में ये सिनारियो देखने को मिला है कि जो 15-16 में जो लाल स्पॉट आपको दिख रहा है भारत के नक्शे में वो बहुत कम जगह पे है, क्योंकि BIMI इंडेक्स में ये कहा जाता है कि 18 से 25 का अगर हो तो वो नॉर्मल वाला जाता है, लेकिन 4-5 सालों में पूरा 2-3 स्टेट छोड़ के बाकी स्टेट में देखिए कि वो लाल पूरी तरह से हमको चिंतित कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं ओवरवेट की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। अब अगर हमको उस पर ओबेसिटी पर अगर हम मोटापा पे अगर हम लोग ये नहीं करेंगे ध्यान नहीं देंगे तो वो उसकी वो सब लोग अभी हम लोग जो भयभीत है उसमें अभी श्रुति बहन ने भी ये कहा कि बहुत सारे हार्ट डिजीजेज डायबिटीज जो सीधे सीधे ओबेसिटी से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कैंसर हैं, ब्रेस्ट कैंसर हैं, गॉलब्लैडर कैंसर हैं जो डायरेक्टली उनसे जुड़े हुए हैं, जो एक चिंता का विषय है। आगे नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें है कि रिकमेंडेड जो डाइटरी अलाउंस है उसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने पहले ही 2011 में करके रखा था कि हर एक पूरे लाइफ में क्या होना चाहिए, जिसके ऊपर की अमल होने की ज़रूरत है। दूसरा है लेबलिंग का कि जो रेगुलेशन मतलब कि 2018 में बना जो अभी तक लागू नहीं हो सका है कि फूड लेबलिंग में जो चीज़ें हैं खास करके जो न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं प्रोटीन और विटामिन की संख्या बढ़ाई जाए और सॉल्ट शुगर और फैट की संख्या घटाई जाए। पीछे फिर ले जाइए। अब खास करके CBSE बोर्ड के स्कूलों में तो 2017-18 में ये ऑलरेडी नोटिस जा चुका है कि हमारे कैंटीन में हाई फैट शुगर और सॉल्ट का जो ये है वो कैंटीन में नहीं मिलेगा और उसके 1 किलोमीटर के गेट से कोई दुकानें में नहीं मिलेगी, लेकिन उसका असेसमेंट का कुछ पता हम लोग को नहीं चला, उसका कहीं डाटा हम लोग को नहीं मिल रहा है कि क्या वो लागू हुआ है कि असल में लागू नहीं हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड। अब जो ड्राइवर्स ऑफ डबल मॉनिटरेशन है
जिसमें है खास करके अर्ली लाइफ मैट्रूसर में लोग देखते हैं ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह के बारे में, दूसरा है कि डाइट का डाइट क्वालिटी जो है उसके बारे में हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है, और फूड का जो बड़ा चीज़ उसको नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ फूड इन्वायरमेंट जो है और जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है इसके बारे में हमको चिंता करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।